हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो स्नैक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे एक बहुत काबिल मित्र सुजीत जी हमारे साथ हैं, जो कि इंश्योरेंस का काम करते हैं और इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी हैं। मैं टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार, ऑलरेडी आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन हमने इंश्योरेंस में भी दिया है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा एजेंडा चेंज करके रखा। हमने कोशिश ये की कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सारे हमने लिखने की कोशिश की है। उस इन्वेस्टमेंट की क्या आप कह सकते हैं फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आज हम सुजीत जी से साथ समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा एक पुराना एजेंडा है उस एजेंडे पे भी बात करेंगे। हमारा जो हमेशा रहता है ट्रेडिशनल प्लान से दूर रहो, तो सुजीत जी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमें कन्विंस करने के लिए कि नहीं आप उस पर भी बात करिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमें लगा कि सुजीत जी के साथ हम अपने ये जो पुराना एक रवैया है उस पर हम इनसे सुने समझें। लेकिन हमारा जो मोटो हमेशा रहा है कि यूजर बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं और उसकी वजह से हम ट्रेडिशनल प्लान को फेवर नहीं करते। बट सुजीत जी का कहना है कि अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत तरह के प्रॉफिट हो चुके हैं, बहुत तरह के जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन चीजों पर, एक तो एंडोरमेंट प्लान, यूलिप, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तीनों के एजेंडा क्या होता है, तीनों का बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, साथ के साथ एंडोरमेंट में नुकसान क्या है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका अपना मानना है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो हमारा मानना है कि बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट है और मतलब इससे मतलब हमारे कस्टमर को दूर रहना चाहिए, उनके पॉकेट में बहुत भारी पड़ता है। तो सुजीत जी से आज शुरुआत करते हैं। सुजीत जी अगर बताएंगे पहले क्या है और कैसे क्या बेनिफिट है इसके। जी धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहली चीज है वो जो प्रोडक्ट्स है वो सबके लिए और मतलब सब लोगों के लिए डिपेंड करता है कि उनका गोल क्या है, उनका जो अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस हिसाब से हम लोगों को बताते हैं कि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए। सही बात है। सभी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ ये अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ वो उसकी निगेटिव चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो आपका अपना उस हिसाब से आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। ठीक है, सबसे पहले जब हम आते हैं एंडोमेंट प्लान के ऊपर आते हैं। एंडोमेंट प्लान क्या है कि ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान है और ये आपको लॉन्ग टर्म फिक्स रिटर्न का प्लान है। इसमें आपको ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं आएगा, लो रिटर्न आएगा, बट आपका ये फिक्स रिटर्न है। अगर आपका कोई नॉन नेगोशिएबल गोल है, जैसे मान लिया जाए चाइल्ड एजुकेशन हो या चाइल्ड मैरिज हो, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कॉर्पस होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, वो मेरे को फिक्स मिलना चाहिए। उसके ऊपर ना मार्केट के रिटर्न का और ना उसके ऊपर किसी और जैसे टैक्स वगैरह का इम्प्लीकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हम उनको लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप एंडोमेंट प्लान आप लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि तो एक काम करते हैं, एंडोमेंट प्लान को फिर से समझते हैं। आपका कहना है कि जो ये प्लान है इसके जो बेनिफिट है वो फिक्स है, पहली चीज। दूसरा टैक्स फ्री है, लेकिन एक चीज देखिए, इसका जो रिटर्न है 5-7% है, यानी कि अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो बहुत कम है। खैर उसको आते हैं। इसमें एक फायदा यह है कि एक टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स फ्री है। उसके अलावा ATC, जो आपका ATC में जो 1.5 लाख की जो बेनिफिट है उसमें भी ये काम आता है। साथ के साथ डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो डेथ बेनिफिट भी हमारा कवर करता है। बिल्कुल। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो रिटर्न जो कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट वो कम है। ठीक है, उसके अलावा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ये आप इजीली लिक्विड नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये बताइए, एक तो पहले मैं अब थोड़ा उल्टी बात करते हैं, ब्रोकर को इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, इससे तो आप कहीं दो राय नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर एक बात बताइए, अगर 1 लाख रुपए मैंने दिया और मैं मान के चलता हूँ कि 40% ब्रोकर को मिल गया, या जो भी मेरा एजेंट था, ब्रोकर ना यूज करूं, जो मेरा एजेंट था उसको मिल गया, तो आप कैसे कहते हैं कि जो बेनिफिट है ये वो भी एक रीजन नहीं है कि ये जो मार्जिन था उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया? ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, मतलब शॉर्ट टर्म का नहीं है कि 5 साल या 10 साल। मैं तो लोगों को कहूंगा कि अगर आपका 20 साल या 25 साल या 30 साल का गोल है तो आप एंडोमेंट की तरफ जाएं। अगर आपका 20 साल से कम का है तो एंडोमेंट में आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी जो आपका लाइफ का गोल है, वो उसमें काफी कम रिटर्न मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 5-7% का रिटर्न लिखा है। अगर ये 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का भी हो, 20 साल से कम है, आपको 5% की रिटर्न मिलेगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 5% के रिटर्न में आपका क्या होगा। लेकिन अगर आपका गोल 25 साल का है या 30 साल का है तो 7% का टैक्स फ्री रिटर्न है जो कि आपके लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे फिर रोकूंगा सुजीत जी। अगर दूसरी बात देखें, यूलिप में अगर प्रोडक्ट तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, रिस्क का अगर फैक्टर मैं छोड़ दूं, रिस्क फैक्टर को अगर मैं कम कर दूं यहाँ पे, अगर उसको माइनस कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट फीचर्स तो सेम है मेरे, उस प्रोडक्ट फीचर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो रिटर्न मेरा ज्यादा है जी, तो मैं यूलिप क्यों नहीं प्रीफर करूं? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूलिप क्यों नहीं जाऊं, कि एंडोरमेंट प्लान में मैं जाऊं क्यों जी? क्योंकि ये बेनिफिट एक जिसको, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, जो रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसके लिए हो सकता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट हो जो रिस्क फ्री चाहता है बिना किसी टेंशन के, और जिसके लाइफ का एज हो सकता है 50 प्लस हो या 45 प्लस हो, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो क्या ये प्रोडक्ट उससे बेहतर है या नहीं है? मैं इसकी प्रॉब्लम की बात कर दूं पहले, फिर आप इस प्रोडक्ट पे आइएगा। जो हमने इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, उसमें पहला प्रॉब्लम है कि जो रिस्क का है वो बहुत हाई है। चार्जेज जो टोटल ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, अगर हमारे पुराने म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे हमने चार्जेस को लेकर बहुत तरह के वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ चार्जेज हाई हैं प्लस 5 ईयर्स लॉक इन है। इसके अलावा अगर मैं रिस्क को एक तरह से अगर माइनस कर देता हूं तो ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा है? मैं अगर इससे अभी कंपेयर करूं यूलिप से ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा? हाँ। जी, और किसके लिए अच्छा? ये दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल क्यों बिल्कुल अच्छा है और किसके लिए अच्छा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भी एक बास्केट में जो है वो सारे अंडे एक जैसे नहीं होने चाहिए, मतलब हमारे जो सारे अंडे हैं एक बास्केट में नहीं होने चाहिए, अलग अलग बास्केट में होने चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है जो ऑलरेडी जिनका इक्विटी में एक्सपोजर पहले से ही ज्यादा है डिफरेंट डिफरेंट ये में, या तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या यूलिप्स के थ्रू हो या डायरेक्ट इस इक्विटी में जिनका इन्वेस्टमेंट है, तो उनको आपको दूसरे एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क फ्री आपका बास्केट हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए। तो आप उस, और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो रिटर्न आती है वो आपका सारा का सारा टैक्स फ्री है। मान लिया जाए अगर आपका 30 साल के बाद अगर आपने 2 या 3 करोड़ के कॉर्पस के हिसाब से इन्वेस्ट करा है, आप नॉर्मली कहीं पे भी डालेंगे। तो ये बेनिफिट तो मेरा यूलिप में भी है, अगर टैक्स बेनिफिट और ईटीसी की बात करें तो वो बेनिफिट मेरा यहाँ भी है। जी जी, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन जो है कि 10x होना चाहिए, वो एक अलग जी, बेनिफिट जी, जी। लेकिन अगर उस हिसाब से बास्केट की तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा पूरा जो बजट ही है, लेट्स अज्यूम कि मेरा जो पूरा बजट था वो केवल एक केवल 1 लाख रुपए, मैं उससे ज्यादा की अभी बजट की बात नहीं कर, मैं बड़े क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, तो क्या मेरे लिए ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा नहीं है? क्योंकि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो बुके था वो 1 लाख का था, तो क्या मैं इसमें जाऊं या उन क्लाइंट के लिए क्या अच्छा होगा? 1 लाख अगर हमारा वो साल का इन्वेस्टमेंट है तो हमें खास करके उसमें भी हमें काफ़ी ध्यान देना होगा कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एज के हिसाब से या अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आपको कुछ पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए, क्योंकि सारा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में अगर आप पैसा डाल देंगे तो क्या होगा कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से सही नहीं होगा। अगर मैं इसके साथ FD चला जाऊं, ठीक है, FD में मुझे ATC का बेनिफिट नहीं मिल रहा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं कॉर्पस की बात करूं, मैं टैक्स बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि मुझे 1 लाख रुपए लगाने हैं, ATC अगर मुझे रखना है तो फिर तो मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास लिमिटेड चॉइस है, फिर तो मुझे इन्हीं 2 प्रोडक्ट के साथ कुछ और ELS में जा सकते हैं, ELS भी इन्हीं का पार्ट है एक तरह से आप देखें तो, सेम कैटेगरी कवर होता है। तो अगर मेरा 1 लाख का है तो क्या मैं अगर इस 2 को मिक्स कर दूं तो मेरा लाइफ कवर भी हो गया, इंटरेस्ट भी आ गया, ठीक है, टैक्सेबल है, लेकिन ये तब मेरे लिए घाटा जब मैं 30% के स्लैब में हूं। अगर मेरी इनकम 10 लाख है और मैं टैक्स स्लैब में, मतलब मोटा मोटी मान के चलो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, उस केस में क्या ये मेरे लिए बेनिफिट नहीं है? अगेन ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी अगर 10 लाख की आज की इनकम है तो कल के डेट में हमारी, क्योंकि जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो कल के डेट में हमारी इनकम बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी, तो बढ़नी भी चाहिए जो हमारे यूजर में, तो चाहूंगा कि वो बढ़ेगी। तो उस समय जब मैच्योर होगा प्लान या जब हमारा वो नॉन नेगोशिएबल गोल आएगा, जो मैंने लिखा है कि ये वहां पे है जहां पे नॉन नेगोशिएबल गोल का मतलब क्या होता है कि मेरे को पता है कि आज से 25 साल के बाद मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को 30 साल के बाद पैसे चाहिए, उसको मैं 1 साल या 2 साल के लिए आगे पीछे नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए ये अच्छा है। क्योंकि FD का रेट जो है नॉर्मली अगर आज के डेट में भी देखें तो हमारा 10 साल के लिए फिक्स्ड होता है, 10 साल के लिए मेरे को पता है कि ये रेट होगा, लेकिन आगे 10 साल आने वाले टाइम पे क्या होगा ये मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ पे रिस्क जो है, रेट ऑफ रिटर्न है वो जो है वो डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर। तो हम FD की भी एक बार बात कर ले कि FD में जो हमने एक रखा है, प्रो रखा है, यानी जो बेनिफिट है, एक तो फिक्स्ड है जो कि रिटर्न आप देखें तो 6.25 से लेकर 9% तक, कुछ में 10% है, बट वो बहुत रिस्की टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हम उनको कवर नहीं कर रहे। लिक्विडिटी बहुत आसान है, अगर आप लिक्विड करना चाहते हैं तो हार्डली 48 आवर्स to 72 आवर्स में ये पैसा आपके पास आ जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो टैक्सेबल हो गया, दूसरा लो जो रिटर्न है एज कम्पेयर टू, हम अगर बात करें इन्फ्लेशन के साथ तो रिटर्न कम है इसमें एज कम्पेयर टू और भी जो मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है।
साथ के साथ इसमें कोई डेथ बेनिफिट नहीं है जी। तो अब अगर हम फिर अब समराइज करने की कोशिश करें तो आपके कहने का मतलब यह है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसके लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जो इंडो हमारा जो इन, ये जो ट्रेडिशनल प्लान करें, मैं इसको ट्रेडिशनल प्लान कहूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर है जी। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं, बहुतों को यह वर्ड पता नहीं होता है कि क्या है, हम ट्रेडिशनल प्लान बात करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम ट्रेडिशनल प्लान क्यों बाय करें जी। ट्रेडिशनल प्लान हमारा, जैसे मैंने लिखा है कि ये लॉन्ग टर्म नॉन नेगोशिएबल गोल, यानी हमारा अगर 20 साल से ऊपर का है तभी हम इन्वेस्टमेंट करें इंडोमेंट या ट्रेडिशनल प्लान के अंदर। अगर हमारा गोल 20 साल से कम का है तो इंडोमेंट प्लान में आपको वो रिटर्न नहीं आएगी जिसकी आपकी अपेक्षा है। अगर आपको मतलब 20 साल से कम में जाना है और आपको फिक्स इंस्ट्रूमेंट में जाना है तो आपके लिए FD है, आपके लिए बॉन्ड्स हैं, आपके लिए PPF है, वहां पे आप जाइए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, नॉन नेगोशिएबल गोल है, तो आप इंडोमेंट। जी जी, मेरा फिर वही क्वेश्चन है आपसे कि ये जो ट्रेडिशनल प्लान है, अगर मैं क्योंकि हम हमेशा अपने यूजर को बताया हमने कि ट्रेडिशनल प्लान से दूर रहो, हमारे जो भी प्लान रहे हैं उसमें हमने ये क्लियर कट बोला है, क्योंकि इसमें एजेंट के फायदे बहुत हैं, क्योंकि उनको कमीशन एज कम्पेयर टू इस दोनों से उनको बहुत कम, मतलब इधर कोई फायदे नहीं है। तो खैर वो एक सेपरेट इशू है, वो एक सेपरेट अपना हो सकता है। मेरा अपना जो पर्सनल मानना है कि जो बुके अगर बनाए तो क्या हम यूलिप के साथ म्यूचुअल फंड या ELS जो भी है अगर उसके साथ चीजों को मर्ज कर दें तो क्या एक बेटर पोर्टफोलियो बनेगा या नहीं बनेगा, या अभी भी आप कहेंगे कि जो ट्रेडिशनल प्लान है उसका एग्जिस्टेंस है और इसका एक बड़ा मार्केट है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और हमारा एजेंडा यही कि हम इस चीज से थोड़ा दूर रहें, अपने कस्टमर को थोड़े स्मार्ट प्रोडक्ट बताया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताए, आपका क्या टेक है इस पर? जहाँ तक ये देखिए, सबसे पहले आपको अपना वो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करते हैं तो सबसे पहले अपना ये गोल देखिए, अपना वो देखिए कि आपके लिए क्या मोस्ट सुटेबल है, उस हिसाब से देखिए। एजेंट की बातों पे मत जाइए, एजेंट होते हैं जो तो हम हमेशा अपने एजेंट अपने हिसाब से प्रोडक्ट अपने अपने वो प्रॉफिट के लिए किसी भी प्रोडक्ट को पुश करते हैं, तो वो उस हिसाब से ना जाएं, अपना वो अपना गोल देखें, अपनी जो है वो अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखें, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। जहां तक SIP और म्यूचुअल फंड और ये यूलिप्स की बात है, तो SIP जो है वो शॉर्ट टर्म में मतलब पैसा बनाने के लिए, बहुत ही पैसा जमा करने के लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मतलब आप एक सैलरीड या कोई भी जिनकी कुछ भी इनकम हो, वो अपना एक फिक्स्ड पैसा है जो हर महीने वो डालते हैं SIP के अंदर, तो बहुत अच्छा तरीका है पैसा वो इकट्ठा करने का। जहाँ तक हम यूलिप्स के ऊपर आते हैं, यूलिप्स हमारा जो होता है वो लॉन्ग टर्म निगोशिएबल गोल के लिए होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था नॉन निगोशिएबल और यहाँ पे निगोशिएबल। निगोशिएबल गोल का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई गोल है उसको हम लोग 1-2 साल के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको पिछले मतलब कुछ समय पहले। तो इस चीज के लिए हमें यूलिप में जाना चाहिए, क्योंकि SIP में क्या है कि हमारा वो पैसा इकट्ठा करने का जरिया है कि हमने वो 5,000 या 10,000 जो भी हमारी मंथली दिए जा रहे हैं जी, हमारी क्षमता। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी मैं पर्सनली कन्विंस नहीं होता हूँ और अभी तक मेरा वही ओपिनियन है जो मैं पहले था अभी भी। खैर वो एक सेपरेट डिबेट है हमारा और आपका, वो चलता रहेगा, वो चलना भी चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहें, कोई एक प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ट्रेडिशनल का बेस्ट प्रोडक्ट, आप मुझे एक प्रोडक्ट बताएं और मैं अपने यूजर से चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट जरूर देखे और खरीदे ना खरीदे हम रेकमेंड नहीं कर रहे, ना हम बोल रहे हैं, ना हमारे तरफ से कोई आपको कहा जा रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश सुजीत जी के थ्रू कराने की कोशिश करेंगे। हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ट्रेडिशनल से बहुत प्यार नहीं है। आपके हिसाब से अगर मैं यूलिप और मतलब ट्रेडिशनल की बात करूं तो एक प्रोडक्ट मुझे बताइए जो आपको लगता है कि बेस्ट प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल लेते हैं तो 20 साल से ऊपर का ये अपना टर्म रखें, 20 साल मैच्योरिटी जो हो वो 20 साल से ऊपर में होना चाहिए, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे उसमें। जो है एक तो मैं रिकमेंड करूंगा ICICI प्रूडेंशियल का फ्यूचर परफेक्ट प्लान है, अच्छा प्लान है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और काफी अच्छा। एक ही हमें एक ही चाहिए ठीक। यूलिप में कौन सा? यूलिप में हमारे पास जो है वो आपको लगता है कि जो कि बहुत ही अच्छा है, जो यूजर के लिए, मेरे यूजर जो है उनके लिए अच्छा हो। अगर आप 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2010 के बाद से IRDA ने
जो खर्चे हैं वो काफ़ी लिमिट कर दिए हैं। तो अगर आप 20 साल के लिए आपका गोल है या 10 साल से ऊपर का भी गोल है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 साल के बाद आप कोई भी यूलिप ले लें तो सारे यूलिप्स हैं वो म्यूचुअल फंड से कंपेरेटिवली बेटर है। लेकिन अगर आपका 10 साल से ऊपर का गोल हो तब, अगर 10 साल से नीचे का गोल हो तो मैं यूलिप को रिकमेंड नहीं करूंगा। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करने, क्योंकि हम बहुत आज वीडियो हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे मुझे जो समझ में आ रहा है कि ट्रेडिशनल प्लान उन्हीं के लिए जरूरत है जो कि सिक्योर मोड में काम करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए। रेगुलर यूजर के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत वाव प्रोडक्ट है उस तरह से। दूसरा, यूलिप का ऑलरेडी इन्होंने बताया, तो हमने एक समराइज करने की कोशिश की कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास है, और जो इन्होंने ICICI का एक प्रोडक्ट बताया, अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट में कोई खामी है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं और मुझे सपोर्ट करें कि मैं हमेशा इनको कहता हूं कि यह प्रोडक्ट बेकार है और मुझे इसमें भरोसा नहीं है। तो अगर किसी यूजर को लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए और बताएं प्रॉब्लम क्या है, और अगर कुछ पॉइंट हम मिस कर रहे हैं वो भी हम चाहेंगे कि आप हमें कवर करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में हमने इसको समराइज करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।